हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुमा किचन फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे ऑरेंज केक। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा इसका जायका अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाना बेहद आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 8 इंच का बेकिंग टिन लिया है। इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जितना हम ऑयल से अच्छी तरह से इसको ग्रीस करेंगे, उतना ही डीमोल्ड करने में हमें आसानी होगी। अब इसके अंदर एक बटर पेपर लगाएंगे और उसको भी अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। अब एक मिक्सचर जार लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। इसको मैंने पीसा नहीं है, ऐसे ही लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 अंडे। फ्रेंड्स, हम यहाँ जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इन सबको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लेना है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे कीनू। ये देखिए, मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और इसको हम हाफ ही ऐड करेंगे। यहाँ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि कीनू जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और उसका साइज़ जो है वो मीडियम ही होना चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स, हम इसको छिलके के साथ ही ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको यहाँ बहुत ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि अगर एक भी बीज इसके अंदर रह गया तो केक कड़वा भी हो सकता है। अब इसको हाफ कीनू को अलग रख देंगे और अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखिए, अगर इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, तो अगर इसके अंदर कोई बीज रह भी जाता है तो हम उसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। इसको भी मिक्सचर जार में ऐड कर देंगे और अब हम इन सब चीज़ों को पीस कर एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब स्पैचुला की हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इकट्ठा करना है। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथ से इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। फ्रेंड्स, एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्ब्स ना हो। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, आइए इसको बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसको टैप कर लेंगे। आइए अब इसको कढ़ाई में रखते हैं। इस कढ़ाई को मैंने पहले ही 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर नमक डालकर ऊपर से वायर स्टैंड रख दिया है। आइए इसको ध्यान से इसके अंदर रख देते हैं और ऊपर से इसको बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर कोई भी वेट रख देंगे, जिससे कि अंदर की एयर जो है वो बाहर ना निकले। शुरू के 20 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर रखा था और उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। 45 मिनट हो चुके हैं, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, टूथपिक एकदम क्लीन है, इट मींस कि हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन अगर टूथपिक क्लीन नहीं निकलती है तो इट मींस अभी आपको इसको थोड़ी देर और रखना है। आइए इसको बाहर रखते हैं। केक अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको अभी हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, आइए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। अब नाइफ की हेल्प से इसकी वॉल्स को सेपरेट कर लेंगे और अब इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे, ये देखिए केक कितनी अच्छी तरह से डीमोल्ड हो गया। अब बटर पेपर को भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, केक बहुत अच्छा बेक हुआ है, ऑरेंज की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी एयर पॉकेट्स बनी है इसके अंदर। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आइए मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। इसमें हमने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी इसका कलर बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। आप भी अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इतना ही अच्छा बनेगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।